नागपुर शहर में आए दिन रोड दुर्घटनाएं होने के मामले उजागर होते हैं। इस पर शासन प्रशासन द्वारा हिट एंड रन का नियम भी बनाए गए हैं, पर इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। कपिल नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत और एक और मामला उजागर हुआ है। कपिल नगर चौक पर तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचल दिया। इस दौरान वहां मौजूद नागरिकों ने आक्रामक होकर इस हादसे के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। नागरिकों द्वारा बताया जा रहा है कि हर बार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निवेदन देकर भी पुलिस विभाग ने इस पर कोई भी कार्यवाही न करते हुए नागरिकों के निवेदन को नजरअंदाज कर दिया है। नागरिकों द्वारा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कर्मी चौक पर सिर्फ चालान काटने आते हैं। सुचारू करना चाहिए यहाँ का नियम कानून। ये कोने में खड़े रहेंगे एक साइड में छुप के, ताकि चोरी से कोई आवे और उसका चालान बना ले कट से। अरे यहाँ फ्रंट में खड़े रहो ना, देख ले, भागने से पहले लोग खड़ा हो जाएगा, नहीं भाई ट्रैफिक वाले खड़े हैं, आप हो ही नहीं जगह पर। मेन परेशानी तो वहाँ है, फ्रंट पे खड़ा रहना चाहिए। इस जगह पर अगर ट्रैफिक अगर आज रहता तो एक्सीडेंट नहीं होता, किसी कीमत पे नहीं होता। उनको समझ में आता है, ड्राइवर को समझ में आता है कि यहाँ पे ट्रैफिक वाले खड़े हैं, वो घसीटते हैं, वो वहाँ से 100-150 फीट ले गया दूर वहाँ ताकि लेडीज फ्रंट से लेडीज ये चौक पर खड़ी उसके हस्बैंड थे फ्रंट में, ये गाड़ी नहीं है, एक्टिवा वहाँ खड़ी है, वो तो 3-4 लोग दौड़े समझो वहाँ पर, तब जाके चेक वाली आई। किसका एक्सीडेंट हुआ बताइए? यहाँ पे अभी लेडीज जा रही थी, लेडीज का वो हादसा हुआ ऐसा, लेडीज जगह पे खत्म हो गई। यानी सिग्नल पे कैसा है, पुलिस वाले रहते हैं लेकिन वो साइड में चालान वालन बनाते रहते अपना, और यहाँ पे कुछ कंट्रोलिंग है नहीं उनके सिग्नल पे, और ये लेडीज जा रही थी, लेकिन सिग्नल जैसी गुला लोग अपने आप निकल जाते। पुलिस वालों रहने के बाद में उनका काम बनता ना, क्या बोलते कि यहाँ पे ध्यान देना, वो सीधा सिर्फ चालान के ऊपर ध्यान दे रहे हैं वो, बाकी और कोई व्यवस्था इसके, यहाँ पे 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो उनका काम बनता यहाँ पे ध्यान देने का होना। ऐसी यहाँ पे तकलीफ है, कम से कम मेरा कहना है कि जो कर्मचारी रहते हैं उनका काम है कि सिग्नल पे बाबा ध्यान देना, सिग्नल जो चालू होगा तो ही लोग निकले, ये तो लोग कहता है एक निकले तो दूसरा भी चालू हो जाता है, यहाँ पे तुरंत जाम लग जाता है यहाँ पे। क्या मांग है? नहीं, मांग ये है कि पुलिस वालों ने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अरे मांग ये है कि भैया काम चलता है इसलिए ये एक्सीडेंट होते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट का उनका कारण ही नहीं रहेगा। पुलिस रहती क्या? नहीं रहती, अभी आज नहीं थी, अभी आए वो लोग वहाँ चलन मार रहे थे पेट्रोल पंप के पास में। कैसा है यहाँ पे रहेंगी तब अच्छी चाहिए, व्यापार रहेंगे ना, व्यापार नियम से काम करेंगे लोग, जब रहेंगे इतनी तो कहाँ से काम करेंगे। बताओ ये सिंगल में पुलिस रहती कि नहीं रहती? कभी कभार रहती कभी नहीं रहती, बट आज आज भी नहीं थी पुलिस, आज भी नहीं थी। और जब रहते हैं तो सिर्फ इधर उधर छुपके से वोट तो चालान मारते हैं, इसको भी क्या बोलते गाड़ियों की फोटो खींचना, ये करना। एक्सीडेंट होने के कितने देर बाद पुलिस आई? कहने का मतलब ये है मेरा, एक्सीडेंट होने के कितने देर? और जब यहाँ पे फोन करने के बाद में भी पुलिस आदमी का नाम ही नहीं, जब तो बेचारी बाइक पड़ी थी काफी देर से पड़ी थी भाई, वहाँ पे वो आदमी पड़ा था एक्सीडेंट से। हाँ एक बच्चा और था उसको पता नहीं किसने दवाखाना हॉस्पिटल लेके गए। अरे कहने का मतलब जब नियम कानून बनना चाहिए तो सख्त बनना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए कि पुलिस हरदम रहने को ना, यहाँ पे वो एक आध दिन रहती पुलिस, उसके बाद में वो अभी जैसा मैंने आपको बोल दिया उस दिन एक चीज चलेगा, बाद में खत्म हो जाएगा कारोबार। ये कपिल नगर चौक है, कैसा है मैंने कही तो हरदम क्लियर रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये एक दिन से नहीं है, मैंने आज बोल दिया आपको, यहाँ बता दिया, यहाँ चीज देखा, ये घटना हुई, इसके बाद में कैसा है कुछ दिनों के बाद में भी वैसे हो जाएगा फिर से कारोबार, ऐसा है ना। ट्रैफिक वाले रहना चाहिए तो आदम रहने चाहिए, और ये नहीं है कि सिर्फ अपने चालान की तरफ भी ध्यान दे, चालान की तरफ भी ध्यान दो और बाकी पब्लिक की भी तरफ ध्यान दो। ये लोग जो भाग रहे हैं उनको पकड़ो। अभी भी देखो सिग्नल कैसा चालू है, अभी देखो आने के बाद में कट चले गए, अभी भी वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, अपने आप गाड़ी आने जाने चालू। वाहतूक पोलीस विभागाच्या अंतर्गत इंदोरा चौक हा एक खरंच भाग आहे। या विभागामध्ये अनेकदा वाहतूक डीसीपीला आणि वाहतूक इंदोरा चौकातील पियांना अनेकदा विनंती करण्यात आली। गुरु गोविंद सिंग चौक म्हणजेच ऑटोमॅटो चौक ते मानकापूर पर्यंत या रस्त्यावरती आपण पेट्रोलिंगसाठी 2 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी। वरिष्ठाच्या आदेशावरती असा येतो की पेट्रोलियम काय असते ते आम्हाला माहितीच नाही, त्यामुळे ट्रॅफिक विभागातला असलेला कुठलाही कर्मचारी हा पेट्रोलिंग या शब्दाचा वेगळा झालेला आहे, त्यांच्या डिक्शनरीमधून पेट्रोलियम हा शब्दच निघालेला आहे। पेट्रोलियम जर गुरु गोविंद सिंग चौक ते मानकापूरपर्यंत जर झाले तर निश्चितच या रस्त्यावरती होणारे जे अपघाताचं जे प्रमाण आहे ते नक्कीच कमी होऊ शकतो। पण वरिष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांना केवळ चालनाच्यासाठीच वाहतुकीसाठी
चौकात पाठवतात आणि वरिष्ठ अधिकारी चालान करण्याच्या पासून दुसरं कुठलंही काम वाहतूक कर्मचाऱ्याला देत नसल्याच्या कारणामुळे नागपूर शहरातील वाहतूक जी आहे ती अत्यंत विस्कळीत झालेली आहे, अत्यंत बिघडलेली आहे। त्याच्याकडे खरंच कुठल्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मात्र लक्ष नाही। इथे काय झालं आज? इथे काही वेळापूर्वी बनकर परिवारातील एक महिला जी आहे त्यांचं फेटल झालेलं आहे, ती जाग्यावरती मरण पावली। आमची सहानुभूती आहे की त्या परिवाराला खरंच सहानुभूती मिळो, त्यांना खरंच आत्मबल मिळावं। हा जो ऍक्सिडेंट झालेला आहे हा ऍक्सिडेंट पण त्याचाच एक प्रकार आहे की वरेक चौकामध्ये कुठलाही कर्मचारी केवळ चालांच्या शिवाय दुसऱ्या कुठल्याही कामासाठी पुढे येत नसल्याच्या कारणामुळे हा ऍक्सिडेंट झालेला आहे। त्याचं जर दोषारोपण जर द्यायचं असेल तर निश्चितच वाहतूक विभागाला मात्र याचं दोषारोपण देण्यासाठी मी मात्र सक्षम आहे। वाहतूक विभागाने जर खरंच या रोडवरती म्हणजे इंदोरा विभागातील विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने जर या भागाच्याकडे जर लक्ष दिलं असतं तर निश्चित हा पेटल झालेला नसता। चौकामध्ये कुठलाही कर्मचारी राहत नाही, येतात झुंडने येतात। जसं एखाद्या कुत्र्याचा जर हल्ला करायचा असेल तर वाघासारखे जे लोक येतात ते सगळे एकत्ररित्या येतात आणि एक वाहतूक कर्मचारी नसून ते चार पाच वाहतूक कर्मचारी येतात आणि एका व्यक्तीचं चालनासाठी त्याच्या पाठीमागे लागतात। चालनाशिवाय कुठलाही कर्मचारी चौकात उभा राहत असताना कुठली गाडी चालले कुठून चाललेले आहे त्याला व्हिसल मारायची का, मध्ये उभं राहायचं का, दार्शनिक ठिकाणी उभं राहायचं का, की जेणेकरून जो कर्मचारी जो आहे त्या कर्मचाऱ्याला दिसल्याच्यामुळे तो क्रॉस करू शकणार नाही। म्हणून माझी आग्रहाची विनंती आहे वाहतूक विभागाला, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना, डीसीपी ट्रॅफिकना, कृपया उत्तर नागपुरातील रोडवरती या आणि खरंच वाहतुकीचे 12 वाजले की नाही ते आपण आपल्या प्रत्यक्षरित्या बघावं। फक्त यायच्या वेळेस आपण युनिफॉर्मवरती यायचं नाही, म्हणजे जेणेकरून आपल्या लक्षात येत असेल की आपले कर्मचारी बाकीची व्यवस्था जी आहे त्या व्यवस्थेचे 12 कसे वाजलेले आहेत। तारा न्यूज के लिए विशाल बमटवार की रिपोर्ट। अठारह साल से शहर में विश्वसनीय उड़ान लैंड डेवलपर्स ले आए हैं सप्तशृंगी नगरी मौजा साले गोदनी में, जो कि साले बस स्टॉप से सिर्फ 200 मीटर दूर, आउटर रिंग रोड से 3.5 किलोमीटर, गुरुकुल सीबीएसई स्कूल से 1 किलोमीटर, 110 एकड़ में बने एग्रो टर्मिनल मार्केट से 2 किलोमीटर, पीएचसी हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर, वर्धा रोड से 6 किलोमीटर और मार्गी नगर चौक से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्पेशल एमिनिटीज, डाम्बर रोड, ड्रेनेज लाइन, सीनियर सिटीजन पार्क, इलेक्ट्रिक वाटर सप्लाई, ईएमआई ऑप्शन, बैंक फाइनेंस और साइट दिखाने की सुविधा उपलब्ध। अधिक जानकारी या बुकिंग के लिए संपर्क करें उड़ान लैंड डेवलपर्स के संचालक धम्मा भाव सोनटक के 9860298056 और आजाद ठाकुर 9371488938 पर। ऑफिस एड्रेस, हुड़केश्वर मेन रोड, नागपुर।